गुड मॉर्निंग एवरी वन आई डॉक्टर निशा सिंह वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग विच इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल वन इट इज अ बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ मॉड्यूल वन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम मॉड्यूल वन के बाकी टॉपिक्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे सो वॉट इज द आउटकम ऑफ आवर लेक्चर

बॉन्डिंग का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू मटेरियल्स और ऐसी कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हैं उस जुड़े होने को हम कहते हैं बॉन्डिंग इस बॉन्डिंग को अगर हम केमिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग अब इसको कैसे समझेंगे मान लीजिए हमारे पास एक एटम है ए ये एटम एक दूसरे एटम बी के साथ जुड़ता है और एक मॉलिक्यूल ए बी बनाता है यानी ये दोनों हमारे पास क्या थे एटम्स और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये हमारे पास है मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि एक एक एटम के साथ दूसरा एटम या इन दो एटम्स के साथ कोई तीसरा या चौथा एटम कंबाइंड नहीं होगा दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी जब तक एटम्स कंबाइन नहीं होंगे तब तक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए इन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का बनना जरूरी है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही ये एटम्स फ्री स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिस स्टेट को हम मॉलिक्यूल कहते हैं अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स की बात करें तो जो केमिकल बॉन्डिंग है उस केमिकल बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन या पहली टाइप हमारे पास होती है आयनिक बॉन्डिंग इस आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन if bond formation takes place between 1 electronegative and other electropositive element यानी अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है मैंने आपसे कहा कि जब भी हम किसी के टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उस टाइप का बेसिस बताना कंपलसरी होता है यहां पर केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स या उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर जब हम आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो आयनिक बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में होती है तब बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड इस आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं जिसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे जो सेकेंड टाइप होती है उस सेकेंड टाइप का नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट थे कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन टू और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स यानी यहां कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता यहां पर बनने वाला बॉन्ड जिस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या तो दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस उन, उन पार्टिसिपेशन में उन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए जो थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग इस मेटालिक बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन ना तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ना ही दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव बल्कि अब बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो दो ऐसे एटम्स के बीच में होगी जिनका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा सो so, इसको हम लिखेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जिस बेसिक क्लासिफिकेशन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स तो ये एक बेसिक नेचर है इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग में पार्ट लेने वाले डिफरेंट आइटम्स का अब यह बॉन्डिंग होती किस तरीके से है तो वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग फर्स्ट हमारे पास थी बॉन्डिंग और ये आयनिक बॉन्डिंग कैसे बन रही थी ये आयनिक बॉन्डिंग बन रही थी दो ऐसे एटम्स के बीच में जिनमें से एक का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरे का नेचर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो तो इस आयनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl. दिस इज सोडियम क्लोराइड इस NaCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए दो एटम्स हैं पहला एटम एन और दूसरा एटम सी अब ये आयनिक बॉन्ड कैसे बना इस आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट जो निकलकर आता है कि इस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है ये आयनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एनदर तो ये तो पहला पॉइंट है तो दैट मीन्स ये जो एनएसियल मॉलिक्यूल बना इस एनएसीएल मॉलिक्यूल के बनने में इस सोडियम और क्लोरीन इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई तो इसको सेकेंड पॉइंट के लिए कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास है सोडियम एटम इस सोडियम एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। 11. अगर इसको हम कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो 2, 8, 1। यानी इसके पास तीन शेल्स हैं जिसमें से पहले में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे में आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरे में केवल एक इलेक्ट्रॉन है यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है दूसरा एटम है सीएल सीएल के पास होते हैं सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स अगर इन सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स को हम कॉन्फिग्रेट करें तो हमारे पास आता है टू एट एंड सेवन तो इस क्लोरीन के पास भी तीन शेल हैं लेकिन इसका भी जो बाहर वाला शेल यानी आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इस शेल को अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए चाहिए सात इलेक्ट्रॉन्स और तभी इसके आठ इलेक्ट्रॉन पूरे होके ऑक्टेट बनेगा लेकिन इस सीएल को केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई भी अपने सात इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर नहीं करेगा वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो यही चीज इस एन मॉलिक्यूल में होती है कि इस एन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन सी को डोनेट कर देता है मतलब कि जो एन है अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब उसका कॉन्फिग्रेशन हो गया टू एट और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए दस लेकिन इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे एन की जगह एनए प्लस यानी ये एन प्लस का कॉन्फिग्रेशन और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इसी तरीके से जब इस एक इलेक्ट्रॉन को सीएल ने ले लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा एक माइनस चार्ज यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा सीएल माइनस में और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 अब अगर हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फिग्रेट करें तो हम लिख सकते हैं 288 अब इस एन प्लस का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस सी माइनस का भी ऑक्टेट पूरा हो गया लेकिन ये दोनों सोडियम और क्लोरीन आटम की जगह सोडियम आयन यानी प्लस वन चार्ज और Cl आयन यानी माइनस वन चार्ज के साथ एग्जिस्ट करेंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सोडियम सोडियम का आउटर मोस्ट शेल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है सीएल के साथ जिस सीएल के साथ पास सेवन इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सिक्स एंड सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब क्या होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा सीएल के पास और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा हमारे पास क्या आएंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये सोडियम और क्लोराइड आयन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है आप पहले पढ़ चुके हैं ये तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर एग्जिस्ट करेंगे एनए मॉलिक्यूल यानी सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आयनिक बॉन्ड बना उस आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होगा सेकेंड पॉइंट के लिए हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो दोनों एटम्स हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं यानी सबसे बाहर वाले शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं उसके लिए एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा उतने चार्जेस डेवलप होंगे यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ तो प्लस वन चार्ज इधर एक इलेक्ट्रॉन लिया गया तो माइनस वन चार्ज लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं तो उतने ही प्लस और माइनस चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं तो सेकेंड पॉइंट की फॉर्म में हम क्या मैंशन कर सकते हैं द एटम विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स और एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस और ये चार्जेस किसके इक्वल होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा और सेम ऐसे ही द एटम च टेक्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स और एक्वायर्स नेगेटिव चार्जेस तो इस बेसिस पर हम किसी भी तरीके की आइनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक और मेन पॉइंट कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जितने भी मॉलिक्यूल्स आयनिक बॉन्डिंग की हेल्प से बनते हैं ये मॉलिक्यूल्स फिजिकल स्टेट की फॉर्म में इन जनरल सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है क्यों क्योंकि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो आई होप आप सबको आयनिक बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक जस्ट एक रिवीजन की फॉर्म में हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं इस मॉड्यूल के वो सारे के सारे बॉन्डिंग से कोरिलेटेड हैं। तो जो सेकेंड पार्ट होगा उस सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी कि हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग उसको हम स्टार्ट करेंगे आई होप आपको आयनिक बॉन्डिंग अंडरस्टैंड हो गई है अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं अदरवाइज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर आई विल कंटिन्यू विथ कोवेलेंट बॉन्डिंग थैंक यू सो मच